कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे हर एक पार्टी अपने पत्ते खोलती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ राजद की तरफ से कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि 160 सीटों पर इस बार राजद चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद अब जाप संरक्षक पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी को लेकर ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में 150 सीटों पर जन अधिकार पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसके साथ ही पटना के 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों जो रेस्ट सीट है उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे जो बिहार में हटाने की तैयारी में है, लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बन के आ गई। बूथ कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़े, पटना जिले नगर महानगर खासतौर पर सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार होगी, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट, और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर पटना को हम नंबर वन देश का, एशिया का नंबर वन पटना देखें बनाएंगे, दुनिया देखने आएगी पटना। और 3 साल के अंदर, 30 साल बनाम 3 साल, 23 साल बनाम 3 साल, और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती देंगे। गांधी मैदान में श्वेत पत्र जारी करे और जनता के बीच में चुनौती कबूल। 15 साल बनाम 15 साल नहीं, इस 15 साल का 5 साल की चुनौती नीतीश कुमार। अपराध पे, बलात्कार पे, रेपिस्ट बिहार बनाने पे, मर्डर बिहार बनाने पे। अंत में 2 सवाल, जन अधिकार पार्टी 80% यूथ को देगी और किसी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देगी। सत्ता पक्ष विपक्ष अपराधी माफियाओं के बदौलत सत्ता में जाना चाहती और हम जनता के बदौलत जाना चाहते। बिहार को दोनों 56, 76 और 47 से बर्बाद करना चाहते, इसीलिए जन अधिकार पार्टी 80% से 85% 45 साल के उम्र से नीचे लोगों को टिकट और 15% 45 से 60 के बीच के लोगों को। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंत में बीजेपी और जदयू से मेरा एक सवाल, 15 साल मिला, अब बकस दीजिए बिहार को
और 15 साल पहले एक सत्ता को मिला। आप भी कृपा करिए बिहार, और ये तीनों पार्टी से बिहार के लड़के जानना चाहते हैं कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी आईटी के नीट एग्जाम पर चुप क्यों? 45 लाख बच्चों के साथ सौदा क्यों कर रहे हैं? इस नीट के एग्जाम के खिलाफ हम सब हो सकता है डबल बेंच में, फुल बेंच में जाए। मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया जी और सारे विपक्ष के सीएम को कि बच्चों की सूद ली। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के यूथ को मारने की तैयारी की। तो बिहार में अब सीट बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं। हालांकि महागठबंधन और एनडीए में भी सीट को लेकर थोड़ी रस्साकसी चल रही है, और इसलिए शायद अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। बहुत सारे ऐसी पार्टी हैं जो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच अब जाप की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि बिहार में 150 सीटों पर जन अधिकार पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पप्पू यादव की अगुवाई में एक थर्ड फ्रंट बन सकता है, लेकिन अब उसकी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कम दिखाई देगा, बल्कि कई सारे ऐसे दल हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी मैदान में आमने सामने होगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।